पुलिस को ये सूचना मिली थी कि बाईपास के नज़दीक कुछ गोदाम्स में भारी मात्रा में पटाखा, अवैध पटाखा का भंडारण किया गया है और पिछले दो दिनों से उसे तेज़ी से हटाया जा रहा है। तत्काल सूचना मिलते ही SDPO सिटी के नेतृत्व में और लोकल थानाध्यक्ष हबीबपुर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी की गई। दो गोदाम है जिसमें पटाखे के काफ़ी सारे कार्टून भरे हुए, अभी हम लोग गिनती कर रहे हैं, करीब 1800 कार्टून की गिनती हो चुकी है और पता लगाया जा रहा है कि पटाखे कहाँ से आए हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ सप्लाई किया जा रहा था, कब लाया गया था। अब यहाँ गोदाम में जो मुंशी उसको गिरफ्त में लिया गया, उससे पूछताछ की गई है। सारे पटाखे शिवकाशी नामक जगह है तमिलनाडु, वहाँ से लाया जाता था। महीने में करीब 7-8 ट्रक पटाखे ये लोग लाते थे और जो ट्रांसपोर्टर है वो राजस्थान का रहने वाला है और उसका ऑफिस कोलकाता में है। जिन लोगों को सप्लाई किया जा रहा था वो लोग लोकल लोग हैं, चुनिहारी टोला के रहने वाले हैं। लगातार डेली ही छापेमारी की जा रही है और अभी हम लोगों के पास 5-6 रिकवरी हो चुकी है और भी इस तरह की जितनी भी सूचनाएँ मिलेगी उस सूचनाओं पर पुलिस की उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, ट्रांसपोर्टर पर भी कार्रवाई? ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई होगी और भंडारण का लाइसेंस नहीं है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ट्रांसपोर्टर पे भी कार्रवाई की जाएगी और जो लोग लेकर इसको शहर में बेच रहे थे सप्लाई करते उन पर भी कार्रवाई की। कुछ अपील है शहरवासियों से? क्या कुछ अपील भी है? आम जनमानस से हमारा यही अपील रहेगा कि इस तरह के अवैध पटाखा बेचने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सूचना पुलिस को तुरंत दें। हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। मोहम्मद आजाद को लेकर रिमांड की तैयारी की गई? रिमांड पर लिया गया है उन्हें और आगे की पूछताछ की जाएगी। रिमांड पर आ गए हैं? आ गए हैं सर। कितने दिनों के रिमांड के लिए आ गए हैं? 3 दिनों का रिमांड मिला है, हम लोगों ने ज़्यादा प्रे किया था, कोर्ट ने 3 दिनों की इजाज़त दी। सर, भागलपुर में कितने लोगों को मतलब लाइसेंस है पटाखा कारोबार का, ऐसा कुछ? कुछ लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है बट वो लाइसेंस 2 दिन के लिए दिया जाता है दिवाली के समय, इसके अलावे अलग से जिला प्रशासन से लाइसेंस दिया जाता है। दीपावली अभी काफ़ी दूर है सर और इसके पहले जो है ये आतिशबाजी का भंडारण कैसे देखते हैं? ये अवैध है और इसमें जो भी इस पर FIR किया जाएगा, SDM साहब और SDPO साहब भी आए हुए हैं, मजिस्ट्रेट के बयान पे FIR करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। थैंक यू। अरे हटो आगे से। मैंने उसे अजवाइन काजू सब महक रहा है। आ जाइए। ये समय तो काजू के साथ आओ।